हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल लवर। जैसे कि दोस्तों, आप किसी भी सामान को फ्लिपकार्ट के द्वारा परिचित करते हैं दोस्तों, अगर आप उसे मंगवाते हैं फिर भी दोस्तों आपका जो सामान है वो दोस्तों यहाँ पर डैमेज निकलता है या दोस्तों रॉन्ग निकलता है या दोस्तों यहाँ पर बेकार प्रोडक्ट निकलता है और दोस्तों आप उसे दोबारा से रिटर्न करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप किस तरह से सामान को रिटर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जुड़े रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, हमने यहां दोस्तों यहां पर फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। फिर दोस्तों आपको अकाउंट में जाना है। तो दोस्तों आप यहां पर नीचे देख सकते हैं, यहां पर एक अकाउंट का ऑप्शन शो होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहां पर ऑर्डर, दोस्तों आपको यहां पर एक ऑर्डर का ऑप्शन शो होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फिर दोस्तों आपने जितने भी ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर परिचित किए होंगे वो दोस्तों आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। दोस्तों जो मैंने यहाँ पर माइक मंगवाया था दोस्तों यहाँ पर 7 तारीख को, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिटर्न का ऑप्शन शो होगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शो हो रहे हैं और दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। तो दोस्तों आपको इसमें से किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से आपका जो भी दोस्तों प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर इसी से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, बदल भी सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सही प्रोडक्ट नहीं भेजा गया, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी दोस्तों आपको सेकंड नंबर पर दोस्तों आपको यहाँ पर जानकारी देना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसे एक फिर से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक फिर से ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट में दोस्तों यहाँ पर कुछ भी लिखना है, दोस्तों आप जो भी यहाँ पर आप जानकारी देना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रॉन्ग प्रोडक्ट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इंटर किया रॉन्ग प्रोडक्ट। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर जारी रखिए के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिफंड का ऑप्शन शो हो रहा है और दोस्तों आप यहां पर देख भी सकते हैं बैंक अकाउंट पिकअप के बाद दोस्तों आपके 5 से 7 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका जो एड्रेस है वो यहां पर पहले से ही दोस्तों आपको यहां पर रहेगा। फिर दोस्तों आपको यहां पर आना है और दोस्तों आपको यहां पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन शो होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन शो होगा नया खाता जोड़ें, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है और दोस्तों आप जो भी रिफंड दोस्तों आप जिस भी खाते में मंगवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना आईएफएससी कोड यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आईएफएससी कोड डालना है और दोस्तों आपको यहाँ पर खाता संख्या डालना है और दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से खाता संख्या और दोस्तों आपको यहाँ पर खाता धारक का नाम और दोस्तों आपको यहाँ पर एक फ़ोन नंबर इंटर कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पर फिल कर देता हूँ। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नया खाता जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर पुष्टि करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर हम पुष्टि करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सफलतापूर्वक खाता जोड़ा गया। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर आना है और दोस्तों आपको यहाँ पर मौजूदा खाता का ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है और दोस्तों आपका जो खाता है वो दोस्तों यहाँ पर शो हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों जो रिफंड होगा वो दोस्तों आपके खाते में ही जाएगा। तो फिर दोस्तों आपको नीचे आना है और दोस्तों आपको यहाँ पर जारी रखे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन फिर से शो होगा, दोस्तों आपको यहाँ पर पिकअप दिख जाएगा और दोस्तों आपको यहाँ पर रिफंड दिख जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर रिटर्न की पुष्टि करे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो रिटर्न है वो सफलतापूर्वक शुरू किया गया। फिर दोस्तों आप स्थिति चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्थिति चेक करने के ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों आपका जो रिफंड है वो यहाँ पर कंफर्म किया गया है और दोस्तों आपको यहाँ पर जो वापसी जो दोस्तों यहाँ पर स्वीकृति है वो यहाँ पर हो जाएगी। और दोस्तों आपको यहाँ पर देख भी सकते हैं, दोस्तों आप यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने प्रोडक्ट को दोस्तों रिफंड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।